ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईफेस। आज मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो ऑलरेडी खोल चुके हो, डेफिनेटली लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, एज वेल एज अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी ज़रूर कर देना। बट ठीक है, उससे पहले आपको समझना चाहिए कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ये जो कंसेप्ट है, आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मैंने लिख रखा है यहाँ पे। अब ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप आईआईटी जैम के पर्सपेक्टिव से देखोगे या फिर सीयूटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे, ये ऐसे क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिव ईयर में पूछा जा रहा है। इवन ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा बहुत ना कंफ्यूज हो जाते हैं करने में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि, और इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग के लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखना पड़ेगा। सो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस की अगर बात किया जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल एक क्या हो जाता है, टॉपिक हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल आइडियल गैस, ये जो है ये चीज जरूर याद रखना, ये हमेशा और हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, ये हमेशा और हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दिस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड उसके साथ साथ ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा बिकॉज स्पॉन्टेनियस है, अगर एक बार मिक्स से हो जाएगा तो आप इसका मिक्सिंग को अलग नहीं कर सकते। तो इसका कुछ कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन होगा कि प्रेशर एंड टेम्परेचर मस्ट बी कॉन्स्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर मस्ट बी कॉन्स्टेंट, ओके सर। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाना चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है वो होना चाहिए जीरो। ये सारे कंडीशन याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाता है, इसके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग हो जाता है जीरो। उसके बाद डेल्टा यू मिक्सिंग ये भी कंसीडर किया जाता है जीरो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दो है वो हो जाता है आपके लिए, कि एक तो हमारे लिए ये हो जाएगा, देयर शुड नॉट बी एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, देयर शुड नॉट बी एनी एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ आइडियल गैसेस। ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग मिक्सिंग। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो दो कंडीशन है सर, डेल्टा एस मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑलवेज लेस देन जीरो। ये जो दो कंडीशन है, इस दो कंडीशन को जरूर याद रखना आप लोग। ठीक है, तो जितने भी सारे सीयूटी एस्पिरेंट्स है, अगर आप लोगों को लगता है कि सर ये जो आप स्पॉन्टे मतलब ये जो आप कंसेप्ट पढ़ा रहे हो, इससे सच में क्वेश्चन आते हैं क्या, तो आप इस वीडियो के बाद कुछ नहीं करना है, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जाके पीयूआईक्यूज डाउनलोड करना है, बस और कुछ नहीं। फटाफट से जाओ पीयूआईक्यूज डाउनलोड करो, वहां पे आपको दिख जाएगा कि थर्मोडायनेमिक्स के इस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन और कितने साल किस कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी सारे टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स को देख लेना, और सिर्फ ये टॉपिक नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट मैंने छोटा छोटा कंसेप्ट वीडियोज जो है मैंने हमारे चैनल पर डाला हुआ है, आप लोग जाके जरूर देखो और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो ये हमारा मेन कंडीशन हो जाएगा, इन दोनों कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कैलकुलेशंस का मेन फॉर्मूला क्या है वो आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट। सो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, स्पेशली जो मुझे पसंद आता है, वो होता है माइनस एन आर समेशन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई, जहां पे एन इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड एक्स आई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द आयथ मॉलिक्यूल, मोल फ्रैक्शन ऑफ द आयथ स्पीसीज। ठीक है, दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप लोग लेना पड़ेगा, उसका मोल फ्रैक्शन आपको लेना पड़ेगा। सर ये जो इक्वेशन है, इसके साथ साथ और एक इक्वेशन भी यूज होते हैं, जो जिसके मर्जी जिसको यूज करना पसंद है वो कर लो, वो है कि आर समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई, यहाँ पे एन आई जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। सो ये दोनों ही
जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन, इन दोनों को मैं हाईलाइट करके दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब उसमें से मैं तो बोलूंगा कि ये वाला फॉर्मूला जो है मुझे बहुत पसंद आता है, तो आप लोग बताना जरा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कौन सा वाला फॉर्मूला याद आता है, ये वाला या फिर ये वाला। मेरे लिए ये इजी है, आसान है याद रखना, तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन भी लेके आया हूँ इस कंसेप्ट के ऊपर। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, वन मोल ऑफ CO2 गिवन है, वन मोल ऑफ H2 गिवन है एंड टू मोल ऑफ N2 आर मिक्स टुगेदर, देन चेंज ऑफ एंट्रॉपी, द चेंज इन एंट्रॉपी ऑफ मिक्सिंग इज क्या होगा। इसमें से आपका पास ऑप्शन दिया गया है, आप लोग क्या करना है, यहाँ पे पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर ये वीडियो को चलाना है। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर वीडियो को चलाओ, क्योंकि उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आई होप आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया होगा, आई होप आपने जो ऑप्शन है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, आपका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? सर कोई कोई बोलेंगे सर मेरे पास ऑप्शन जो है ना मोस्ट प्रोबेबली सर ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर डी के आसपास कुछ सही आएगा। अगर आपको सी और डी में से कोई सही आता है तो पहले मैं बता दूं आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा पहला जो स्लाइड है उसको। मैंने बोला था डेल्टा मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, सो ये दो तो पहले कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ए और बी में क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या मिल रहा है हमारे पास, 1 + 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, दैट्स इट। सर डेल्टा मिक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा मिक्सिंग हमारे पास होगा -4R समेशन ऑफ XI ln XI चलेगा। इसको मैं लिखूंगा -4R इंटू 1/4 ln 1/4 प्लस 1/4 ln 1/4 प्लस 2/4 ln 2/4, क्योंकि यही तो हमारा मोल फ्रैक्शन आ रहा है। तो चलो इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर 2/4 ln 1/4 प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है सर, यहाँ पे हाफ ln हाफ आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4R हाफ ln 1/4 प्लस हाफ ln हाफ। अब क्या करना है सर, यहाँ पे ना मैं एक चीज कर सकता हूँ, हाफ जो है ln 4 ले लेता हूँ माइनस साइन बाहर लेके, यहाँ पे माइनस साइन लेके हाफ ln 2 ले लेता हूँ। उसके बाद फिर क्या करना है सर, यहाँ पे मुझे ln 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ln a रेस्ट टू द पावर x, इसको हम लोग लिख सकते हैं x ln a। यहाँ पे वही करने वाला हूँ मैं, हाफ ln 2 स्क्वायर माइनस हाफ ln 2। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो दैट मीन्स -4R माइनस 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, ln 2 हो जाएगा माइनस हाफ ln 2, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो माइनस 1 एंड माइनस हाफ इनका क्या हो जाएगा, माइनस 4R इंटू माइनस 3/2 ln 2, माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से ये, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 3 × 3 × 2 = 6R ln 2 हो जाएगा आपके लिए सही आंसर। कितने लोग सही किए होंगे, जितने भी लोग सही किए होंगे सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग इस कंसेप्ट को बिल्कुल सीख चुके हो, बस इतना सा ही सिंपल आपको सॉल्व करना होता है। अब सर ये हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया, तो इसीलिए आपके पास एक होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां पे बताना है सर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां पे बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सो ये आपका होमवर्क रहेगा, फटाफट से सॉल्व करके बताना जरा इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलेगा चलेगा, यस और नो बताओ, चलेगा क्या, चलना तो चाहिए भाई, चलना तो चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।